ये राष्ट्रपति पद की प्रबल दावेदार द्रौपदी मुर्मू का उड़ीसा स्थित पहाड़पुर गांव है और गांव की सीमा से करीब 2.5 किलोमीटर अंदर ये श्याम लक्ष्मण शिपुन उच्च प्राथमिक आवासीय विद्यालय। ये विद्यालय कभी द्रौपदी मुर्मू का घर हुआ करता था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि द्रौपदी मुर्मू ने अपने घर को स्कूल बना दिया? जवाब है, 4 साल के अंदर इस घर ने 3 शोक झेले। 2010 से 2014 के बीच उनके 2 बेटों और पति की मौत। देखिए द्रौपदी मुर्मू की लाइफ की ट्रेजेडी और उससे उबरने की पूरी कहानी। उनकी लाइफ में पहली ट्रेजेडी हुई 1984 में, जब उनकी 3 साल की बच्ची की अचानक मौत हो गई। गांव में कोई भी इस बात का जिक्र तक नहीं करता। इसके बाद उन्हें दूसरा बड़ा सदमा लगा 25 अक्टूबर 2010 को, जब उनके बड़े बेटे लक्ष्मण मुर्मू की मौत हुई। द्रौपदी की भाभी बताती हैं, जब बड़े बेटे की मौत हुई थी तब द्रौपदी 6 महीने तक डिप्रेशन से उभर नहीं पाई थी। इससे उभरने के लिए उन्होंने अध्यात्म का सहारा लिया। फिर 2 जनवरी 2013 को उनके छोटे बेटे बिरंची मुर्मू की मौत हुई, लेकिन वो द्रौपदी जो बड़े बेटे की मौत से टूट गई थी, उसी द्रौपदी ने छोटे बेटे की मौत पर रिश्तेदारों को फोन पर खबर देते हुए कहा, रोकर घर मत आना, जैसे सामान्य समय में घर में मेहमान आते हैं वैसे ही आना। इसके बाद 1 अक्टूबर 2014 को उनके पति श्याम चरण मुर्मू की भी मौत हो गई। विद्यालय के आंगन में लगी ये मूर्तियां दोनों बेटों और पति की है। जब बड़े बेटे की मौत हुई तो द्रौपदी बिल्कुल टूट गई थी, लेकिन छोटे बेटे की मौत के वक्त उन्होंने दृढ़ता से हालातों का सामना किया। मदद मिली मेडिटेशन से। इस बारे में रायरंगपुर में ब्रह्म कुमारी संस्थान की मुखिया ने दैनिक भास्कर को बताया, जब बड़े बेटे की मौत हुई थी तो द्रौपदी अंदर से हिल गई थी। हमने उन्हें मेडिटेशन के लिए सेंटर बुलाया। समय की पाबंद द्रौपदी 2014 तक सेंटर आती रही। गवर्नर बनने के बाद भी वो 1-2 बार आई। द्रौपदी अपने साथ हमेशा एक ट्रांसलाइट और शिव बाबा की छोटी पुस्तिका रखती हैं, ताकि कहीं दूसरी जगह जाने पर भी उनका ध्यान का क्रम न टूटे। रायरंगपुर के उनके घर में ये उनका पूजा का कमरा है, ठीक बिल्कुल वैसा ही जैसा ब्रह्म कुमारी सेंटर का। गुरु की तस्वीर, उसके ऊपर लाल रंग की ट्रांसलाइट, इसी ट्रांसलाइट से निकलने वाली रोशनी का वो ध्यान करती हैं। इसे शिव बाबा का निरंकार रूप माना जाता है। द्रौपदी की फिलॉसफी अब पति की मूर्ति पर उकेरी चंद पंक्तियां ही हैं। जाते जाते उड़िया में लिखी उन पंक्तियों का हिंदी तर्जुमा सुनिए। दुनिया में कोई स्थायी नहीं रहता, सब यहाँ आते हैं और अपना अभिनय करके चले जाते हैं, क्योंकि सच करीब से दिखता है।